हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज देखेंगे 2.4। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज एक्स प्लस वन अ फैक्टर। देखिए ये जो 1, 2, 3, 4 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और हमको देखना है कि इन चारों में से किसका फैक्टर एक्स प्लस वन है। तो सबसे पहले बात आती है कि फैक्टर क्या होता है। तो देखिए हम लोग नंबर के रूप में इसको समझने की कोशिश करें। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 15। 15 एक नंबर है। अब ये नंबर किस किस नंबर से परफेक्टली डिवाइड हो जाता है? परफेक्टली डिवाइड हो जाता है मतलब कि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, जीरो बचना चाहिए। मतलब मैं अगर इसको वन से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, जीरो बचेगा। मैं अगर इसको थ्री से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर जीरो, फाइव से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर जीरो आएगा और एक आएगा 15। तो 15 से रिमाइंडर डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो आएगा। अब देखिए अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है मतलब कि ये जो नंबर है ये सारे नंबर जो हैं ये इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि 2, तो 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 15 को तो मुझे रिमाइंडर में कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे इन सभी क्वेश्चन में ये देखना है कि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, जीरो। मतलब कोई रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए, तभी ये जो एक्स प्लस वन है ये क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है जिसको हम लोगों को बोला है कि फैक्टर चेक करना है। तो एक्स प्लस वन जो भी दिया हुआ हो उसको हम लोग किसके इक्वल रखें, जीरो के इक्वल रखें। अब यहाँ से हम लोगों को एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। ये जो है इसको हम लोग ट्रांसपोज कर दें मतलब इस तरफ लेके आ जाएं तो एक्स इज इक्वल टू प्लस वाला है उधर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और वन एज इट इज बच जाएगा। अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है हम लोग उसको देखते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स मान लिया हम लोगों ने, पी फॉर पॉलिनोमियल्स और किसका है, एक्स का है। तो क्या बनेगा ये, एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे अब हम लोग एक्स के प्लेस पे इस पूरे में एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, माइनस वन रखेंगे। तो पी माइनस वन इज इक्वल टू इस एक्स के प्लेस पे भी क्या रखा, माइनस वन, लेकिन इस एक्स की पावर 3 है तो हम लोगों ने यहाँ पे पावर 3 सब्सटीट्यूट की प्लस फिर वापस से यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या लिखा, माइनस वन और उसकी पावर कितनी रख दी, 2। फिर यहाँ पे एक्स है तो एक्स के प्लेस पे माइनस वन, फिर आगे प्लस था तो प्लस और फिर वन था तो वन, एज इट इज रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से रिजल्ट जीरो आए मतलब कि ये जो है एक्स प्लस वन वो पॉलिनोमियल्स का फैक्टर हो जाएगा और नहीं आता है तो फैक्टर नहीं होगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करें देखिए माइनस वन की पावर कितनी है, 3 है। तो माइनस 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 प्लस होता है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्क्वायर में और फिर माइनस करेंगे तो यहाँ से नेगेटिव साइन आएगा और ये बचेगा कितना हमारे पास, 1। फिर प्लस माइनस का पावर कितनी है, 2 है, मतलब माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बच जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस क्योंकि पावर वगैरह कुछ भी नहीं है, इसको हम लोग केवल ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 1 और यहाँ पे लास्ट में क्या बच जाएगा हमारे पास, प्लस 1। अब देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसल आउट, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल आउट। तो यहाँ पे जो आंसर आया वो कितना आया, 0। मतलब पॉलिनोमियल्स जो था वो हमारा माइनस 1 वैल्यू रखने पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो रिमाइंडर कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। मतलब रिमाइंडर 0 आया है मतलब कि ये जो x प्लस 1 से आपने स्टार्ट किया था, दिस x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स x, ये जो यहां से यहां तक दे रखा है। इसी तरीके से हम लोग चेक करेंगे सेकंड के लिए, थर्ड के लिए और फोर्थ के लिए। मैं इसमें से ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं और मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं अगला। तो चलिए x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये फैक्टर हो चुका है इस पॉलिनोमियल का। तो यहाँ से x की वैल्यू फिर से कितनी बनेगी हमारे पास, माइनस 1 बनेगी। पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, x टू द पावर 4 3 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब देखिए x की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, माइनस 1 पूरे में सब्सटीट्यूट कीजिए और बेहतर होगा कि आप भी साथ में सॉल्व करते जाएं, देखते जाएं। ये एक्स है, एक्स की वैल्यू माइनस वन रखी, उसकी पावर कितनी रखी, 4 प्लस यहाँ पे क्या था, 3। फिर क्या है, एक्स कोई साइन नहीं है दोनों के बीच में इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, माइनस वन वैल्यू रखी और देखिए एक्स की पावर कितनी है, 3। तो एक्स की जो वैल्यू हमने रखी है उसकी पावर भी कितनी लिखना पड़ेगी, 3 प्लस 3। इसी पैटर्न पे यहाँ पे भी हमको ऐसे ही करना पड़ेगा, माइनस वन उसकी पावर 2 और प्लस 1। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा, यहाँ पे देखिए माइनस की पावर क्या है,
इवन है। जब भी माइनस की पावर इवन होती है उस केस में जो रिजल्ट आता है वो प्लस आता है। जैसे माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस। फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस। मतलब इनको अगर हम लोग 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को, तो रिजल्ट फाइनल जो है वो क्या आएगा, प्लस आएगा। मतलब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 1। 1 का पावर 4 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स तो 4 ही आना है। फिर देखिए यहाँ पे माइनस की पावर कितनी है, 3। मतलब कि ऑड नंबर, जब भी 1 हो, माइनस की पावर 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो वहां से जो फाइनल रिजल्ट निकलता है वो हमारा नेगेटिव निकलता है। समझ लीजिए, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो जाएगा, लेकिन एक और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहां से बनेगा हमारे पास 3 और ये बच जाएगा -1। इसकी पावर 3 करेंगे तो 1 ही रहेगा। माइनस की पावर करी तो माइनस आया, 1 की पावर 3 करी तो 3 आया, +3। देखिए ये माइनस और उसकी पावर कितनी की आपने, 2। मतलब पॉजिटिव इवन नंबर, तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1 और +1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1, फिर प्लस ये हो जाएगा -3। इसका मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये प्लस एज इट इज, और इसका भी मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस में 1। अब देखिए यहाँ पे 2 साइन है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये बनेगा 1 -3 +3 +1। तो देखिए +3 से -3 कैंसल हो गया, अब यहाँ पे बचा 1 और बचा 1, तो 1 + 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। देखिए हमको रिमाइंडर कितना चाहिए, 0। रिमाइंडर 0 होगा तो ही हमारा जो नंबर रहेगा वो क्या रहता है, फैक्टर रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ थर्ड वाला क्वेश्चन है, x³ + 3x³ + 3x² + 1। तो इस पॉलिनोमिनल का ये फैक्टर नहीं है। यहाँ पे लास्ट में आप मेंशन कर सकते हैं कि x+1 आंसर जो लेके आ रहे हैं हम लोग इज नॉट अ फैक्टर। और भी दूसरे फैक्टर हो सकते हैं, हम लोग पर्टिकुलर इसी को चेक कर रहे हैं, एक्स प्लस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x³ 3x³ 3x² + 1। इस तरीके से आपको एक फाइनल लाइन मेंशन करनी पड़ती है हमारे आंसर में। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि ये भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड या टिपिकल हो सकता है। वैसे तो हम लोगों को वैल्यू ही सब्सटीट्यूट करनी है, एक्स की जो वैल्यू आई है -1, वो वैल्यू हम लोगों को इसमें भी प्लेस करना है। देखिए ये मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूं इसको। फोर्थ क्वेश्चन, पॉलिनोमियल एक्स। अब पी ऑफ एक्स के प्लेस पे क्या रखना है, -1। तो इक्वल यहां पे मैंने रखा एक्स के प्लेस पे -1 उसकी पावर 3, माइनस इस एक्स के प्लेस पे भी -1 उसकी पावर 2, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट, फिर 2 + √2, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप केवल एक्स के प्लस पे ही क्या रख सकते हैं, -1, और यहाँ पे प्लस में आ जाएगा √2 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस की पावर कितनी है, 3, ऑड है तो माइनस आ जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे साइन क्या है, माइनस, तो एज इट इज, माइनस का स्क्वायर करेंगे, पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1, माइनस ये हो जाएगा 2 + √2, और ये -1 एज इट इज और प्लस में √2 एज इट इज। देखिए ये पूरा यहां से लेके यहां तक एक एक सिंगल टर्म है। एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा एक इंटीजर है, ये -1 जो है ये क्या है, इंटीजर है। यहाँ पे जो -1 है वो इंटीजर है, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा +√2। फिर मैं एज इट इज लिख देता हूँ इन सारी चीजों को, ये हो जाएगा -1, ये भी हो जाएगा -1। देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो इसको हम लोग सम कर सकते हैं, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2, पर साइन क्या रहेगा, माइनस, +2 ये वाला, +√2 और √2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√2। ये दोनों मिलके क्या होगा, 2√2। ये प्लस और माइनस ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 2√2। तो ये पॉलिनोमियल की जो वैल्यू लेके आए हम लोग यहाँ पे, जब हमने एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी तो रिजल्ट हमारा 0 नहीं आया, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आया। इसका मतलब कि x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। आपके लिए बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे पास, फिजिक्स से रिलेटेड हैं, हिंदी से रिलेटेड आने वाले हैं, इंग्लिश के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन टॉपिक्स हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।